दोस्तों यहाँ काफी लंबा वक्त हो गया है कि यहाँ अक्षय कुमार की फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका नहीं कर रही है और इसमें अब यहाँ अक्षय कुमार की सारी नजरें अपनी किस फिल्म पर रहने वाली है। जी आज तो यहाँ लगभग 2020 से अक्षय कुमार की फिल्में जो कि मीडियम ही दिख रही है और कुछ फिल्में जो कि फ्लॉप होती हुई दिखी और कुछ फिल्में जो कि गई है एवरेज। जी आज तो यहाँ 2020 में ये फिल्म लक्ष्मी को लिया जाए तो ये तो हमें OTT पर आती हुई दिखी और यह फिल्म बेल बॉटम 2021 में हमें OTT पर ही आती हुई दिखी। लेकिन जैसे कि उसके यहाँ फिल्म सूर्यवंशी जो कि ठीक ठाक ही रही और जैसे कि कहीं ना कहीं यही अक्षय कुमार की लास्ट एक शानदार फिल्म थी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर फिल्म अतरंगी रे से लेकर बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी OMG 2, मिशन रानीगंज और अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये सभी फिल्में जो कि थिएटर्स में बुरी तरीके से पिट गई। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर अक्षय कुमार की आने वाली अगली बड़ी फिल्म जो कि रहने वाली है वेलकम टू द जंगल। या दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं इसी फिल्म पर अब अक्षय की नजरें होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अक्षय जो कि इससे पहले हमें फिल्म सिंघम अगेन में दिख जाएंगे, लेकिन जैसे कि इस फिल्म में लीड स्टार के तौर पर दिखने वाले हैं अजय देवगन। और यहाँ पर फिल्म वेलकम टू द जंगल में भी काफ़ी सारे स्टार्स होंगे, लेकिन इस फिल्म में अक्षय जो कि लीड स्टार के तौर पर दिखेंगे। तो इसमें तो ये फिल्म काफ़ी बड़ी है और इसी कारण से अक्षय कुमार की नज़रें इस फिल्म पर होगी कि ये फिल्म 300-400 करोड़ थिएटर्स में कमाए और ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म भी है। तो फिलहाल तो वेट रहेगा वेलकम टू द जंगल का, जिसके साथ ही अक्षय कुमार जो कि एक तगड़ा कमबैक करना चाहेंगे। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।